सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आज हम सॉलिड कंबाइंड के बारे में फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यह स्टीफनर के बाद आता है। नोट्स में तो सॉलिड कंबाइंड नहीं दिया है, चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। सॉलिड कंबाइंड स्टीफनर के साथ ही आता है। सॉलिड कंबाइंड है क्या है कि दो अलग अलग प्लेन पे या फिर किसी एंगल पे, अगर कोई प्लेन है या फिर परपेंडिकुलर प्लेन पे दो स्केच के पॉसिबिलिटी से जो सॉलिड मॉडल तैयार होता है उसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। मैं इस प्लेन पे कुछ स्केच ड्रा कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एलिप्स ड्रा कर लेते हैं, कुछ ऐसा एग्जिट, और एक्स वाई प्लेन पे भी मैं कुछ ड्रा कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सर्कल ड्रा कर लेते हैं, एग्जिट। अब इन दोनों के पॉसिबिलिटी से जो बनेगा वो सॉलिड कंबाइन में चूज दिस एंड ओके। तो एलिप्स और सर्कल के कंबाइन कॉम्बिनेशन से जो बना वो सॉलिड कंबाइन के थ्रू बना सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल पार्टी जाए इस प्लेन पे, स्केच ड्रा रेक्टेंगल, एग्जिट, और किसी प्लेन पे, मान लीजिए इसी प्लेन पे ले लेते हैं सर्कल, एग्जिट। अब इन दोनों के पॉसिबिलिटी से जो बनेगा ये ओके। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बन गया और कुछ बचा नहीं है, कैंसिल। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉलिड कंबाइंड। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में चैट करके पूछ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक प्रोवाइड करा दीजिएगा। इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन करा है कि अगर अलग अलग एंगल पे कोई प्लेन है उस पे अगर कोई स्केच ड्रॉ किए हैं तो दोनों के पॉसिबिलिटी से जो स्केच बनता है वो बनाया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि पैरेलल प्लेन पर अगर कोई स्केच ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सॉलिड मॉडल तैयार होता है उसे कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।